पार्लियामेंट में हो रहा है, चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, कभी भी ट्रेजरी बेन से इस तरह का बर्ताव हमने कभी नहीं देखा। और बेचारी उस औरत को क्यों परेशान, सच अ सीनियर लीडर, शी इज़ अ फ्रेल लेडी एट द मोमेंट, सब जानते हैं कि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। गलत बात, गलत बात। सोनिया गांधी के साथ कथित अभद्र व्यवहार का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। विपक्ष के सांसद बीजेपी को इस मुद्दे पर घेर रहे हैं, तो इस फेरिस में सपा से राज्यसभा सांसद जया बच्चन भी आगे आ गई हैं। जया बच्चन ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ हुए व्यवहार को शर्मनाक बताया। कहना है कल जो लोकसभा में हुआ, एक तरफ सोनिया गांधी जी थी, दूसरी तरफ बीजेपी के एमपी, से आपको क्या कहना है? बहुत शर्म की बात है। मुझे लगता है कि अब जो पार्लियामेंट में हो रहा है, चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, कभी भी ट्रेजरी बेंच से इस तरह का बर्ताव हमने कभी नहीं देखा। मुझे 16 साल हो गए यहाँ, मैंने कभी नहीं देखा। इट्स अ शेम, इट्स एम्बैरेसिंग। सीनियर लीडर्स, वुमेन लीडर्स आर स्टैंडिंग एंड स्लोगन्स वो कर रहे हैं। मिनिस्टर्स कभी ऐसा नहीं किए हैं, मगर आज सारी परंपराएं जो हैं इन लोग लांग गए हैं, क्या कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये सब कुछ जो हो रहा था तो सोनिया जी अकेली थी और बहुत सारे मंत्रियों ने उनको घेर लिया, उनको चोट भी लग सकती थी, सिचुएशन ऐसी। और वैसे भी उनकी फ्रेल, शी इज़ वेरी फ्रेल, यू कैन सी शी इज़ अ वेरी सीनियर लीडर। आपका ये डबल स्टैंडर्ड ख़त्म होना चाहिए। एक तरफ से आप कह रहे हैं कि चौधरी जी ने जो भी कहा, एक तो हिंदी भी भाषा की डिक्शनरी को इनको देखना चाहिए, पति और ये जो है ये किसके लिए होता है, गणपति भी होता है, गजपति भी होता है, ये सब क्या है, ये कोई बात है लड़ने वाली? और बेचारी उस औरत को क्यों परेशान, सच अ सीनियर लीडर, शी इज़ अ फ्रेल एट द मोमेंट, सब जानते हैं कि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। गलत बात, गलत बात, ऐसा नहीं। देखिए, मैं सिर्फ उनके लिए नहीं, मैं सोचती हूँ किसी भी महिला के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोविड से उठ के आई हैं, बीमार हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जिस तरह से उनके ऊपर सब चिल्लाने लगे, चीखने लगे, और वो तो सिर्फ रमा देवी जी से बात ही करने गई थी सोनिया गांधी जी। तो उसमें क्या गलती कर दी, हम सबसे बात करते हैं। ये कल से नया तमाशा शुरू हुआ है कि ट्रेजरी बेंच के लोग जो हैं वो भी चिल्ला रहे हैं, वो भी वो कर रहे हैं, तो आप में और अपोजिशन में क्या फ़र्क है? और एक एक एमपी ने तो प्लेकार्ड भी दिखाया, तो चेयर ने कहा कि नहीं नहीं शी इज एजिटेटिंग, तो वो एजिटेट करें तो ठीक है, हम एजिटेट करें तो ठीक नहीं है। गलत जी के साथ हुआ, वो गलत हुआ, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। किसी भी महिला एमपी और आई डोंट नो। तो जया बच्चन कहती हैं कि यूपी के सांसदों ने सारी सीमाएं लांघ दी। वही जया बच्चन ने बीजेपी पर महिलाओं के लिए दोहरी सोच रखने का भी आरोप लगाया। दरअसल अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिए गए बयान पर बवाल मचा हुआ है, और इस मामले में स्मृति ईरानी समेत और बीजेपी सांसदों ने जमकर बवाल काटा, और इन सब के बीच सोनिया गांधी के साथ अभद्रता का आरोप लगा। यूपी तक के लिए सुप्रिया भारद्वाज की रिपोर्ट।